of you? I hope you are well. Let's start the worksheet class 3. So we write the section. English worksheet है. Worksheet number 49. Date है 18/8/2021. Student अपने नाम और मिनट चेंज करना. Good morning dear children. Hope you are doing well. Read aloud and sentence given below. Come, let's meet Surbhi and her family. Hi, I am Surbhi. She is my mother. He is my father. We are a happy family. ठीक है बेटा, हम मिलते हैं सुरभि से जो अपनी फैमिली से मिला रही है. क्या आई एम सुरभि, मैं एक सुरभि हूँ. यह मेरी मम्मी है, यह मेरे पापा है और हमारी बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली है. डिड यू नोटिस दैट वर्ड्स इज़ एम आर हैव बी अंडरलाइन. आपने नोटिस किया कि जो हमारे एम है, इज़ है, आर है, ये अंडरलाइन है. लेट लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो ए अंडरस्टैंड दैट यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एज, एम और आर. ठीक है, इज नेम ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस अ थिंग्स. बेटा इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज वहाँ होता है जब कोई पर्सन एनिमल प्लेस या कोई चीज़ें होती है जो सिंगल होती है, सिंगुलर यानी एक होती है, वहाँ पर इनका यूज इच का किया जाता है. और वहाँ ही शी इट या किसी का नेम हो या किसी का एनिमल का नेम, कोई भी किसी का नाम हो या ही शी इट, सिर्फ ये सिंगुलर होते हैं. ही का यूज़ जैसे मैन के लिए किया जाता है, शी का किसके लिए किया जाता है, लेडीज़ के लिए. और इट का ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो एनिमल्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, उनके लिए इट का यूज किया जाता है. जैसे एम, एम का हमेशा यूज सिर्फ आई के लिए होता है. आर है द नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, यानी एक पर्सन से ज़्यादा होते हैं, चाहे दो हो, तीन हो, चार, दो आदमी से ज़्यादा हो, एनिमल्स हो, प्लेस हो, नेम हो, पर्सन है, उनके लिए यूज किया जाता है. उसके वहाँ पर हम दे, यू और वी का यूज होता है, वहाँ पर भी हम आर का यूज करते हैं. चलो देखते हैं. नाउ लेट अस कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग इज आर एम. क्या है फर्स्ट में देखे ना, दिस आइसक्रीम डैश टेस्टी, कि यह आइसक्रीम, यह एक ही आइसक्रीम है, तो यहाँ पाएगा इज. क्या आएगा यहाँ पे, इज. ठीक है, दे डैश ट्विन, ये तो दे आ गया और ट्विन है, एक से ज़्यादा है, तो क्या आएगा यहाँ, आर. ठीक है बेटा, यहाँ पर इज. अब यहाँ पे देखना, आई डैश हैप्पी, मैं खुश, आई के साथ क्या आता है, एम. यू डैश माई फ्रेंड, एक से ज़्यादा दो है ना, यू के साथ क्या आएगा, आर, एक से ज़्यादा है. ऐसे आपको डन करने हैं. आप टॉक टाइम, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन राइट हैंड साइड केयरफुली. व्हाट डू यू थिंक द मैन एंड द रैबिट इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट. इमेजिन एंड द क्रिएट देयर डायलॉग, से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर टू. बेटा यहाँ पे ना रैबिट है और एक मैन है जो आपस में टॉकिंग कर रहा है, आपको इमेजिन कर लें डायलॉग क्या बातें कर रहे होंगे, उसको लाउडली बोल के कॉपी में नोट डाउन करोगे. अभाव के सुझाओ, बच्चों को विनम्रता का महत्व समझाओ, तो इसे भी कोई विनम्रतापूर्वक बातचीत करने के लिए प्रेरित कीजिए. COVID-19 से रिलेटेड मैसेज की मैंने, फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट या 2 गज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए. चलो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, बाय बाय.